हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आज फिर से मैं आपके सामने लेकर गया हूँ, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था इन्फाइनाइट सीरीज़। काफ़ी वीडियोस इन्फाइनाइट सीरीज़ के मैं करवा चुका हूँ, उसे सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा, जो टॉपिक हमारा आज का है वो स्टार्ट करते हैं, वो है कॉचीज रूट टेस्ट। आपको बता दूं, हमने जो लास्ट टेस्ट किया था वो कंपैरिजन टेस्ट था, उससे पहले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती हैं, सीरीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा रियल एनालिसिस के सीक्वेंस का पूरा वन बाय वन वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का पूरा एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो बात करें कॉचीज रूट टेस्ट की, तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ न्यूमेरिकल्स भी लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। लेट समीशन un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट, ये जो un है इसकी पावर, मतलब ये जो सीरीज़ है इसके nth टर्म की पावर 1/n हमने करी और वो वैल्यू जो है वो l आ रही है। l मीन्स फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब अगर ये एल जो है वन से छोटा है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर ये एल जो है वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये एल वन के इक्वल है तो ये टेस्ट जो कॉचीज़ रूट टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अब बात करें, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हर जगह पे कंपैरिजन टेस्ट से ही हम किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सर्टेन कंडीशन थी कि हमने वहाँ क्या किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, ये भी कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। क्या करते थे उसमें, हम एक यूएन वाली सीरीज़ थी और एक वीएन वाली सीरीज़ हमने खुद से एज्यूम करी थी, इसकी लिमिट निकाली थी इन्फिनिटी पे, और ये लिमिट अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आ रही थी, अगर एल नॉन जीरो और फाइनाइट आ रहा था तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि यू एन और वी एन दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। अब अगर एल जो है वो फाइनाइट हमको नहीं मिल रहा है या जीरो मिल जा रहा है, तो उस केस में तो फिर हम कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते ना। तो जब कंपैरिजन टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, कोई और टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे कॉचीज रूट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, इस टेस्ट में एक सर्टेन कंडीशन यहाँ पे भी है कि सीरीज़ जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए, और जो यू एन nth टर्म इसका है, इसकी पावर 1/n हमने करी, वो l आ रहा है। l अगर 1 से छोटा है तो वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, l अगर 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर l 1 के इक्वल आ गया तो फिर ये कॉचीज रूट टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब ये है कि हम फिर कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये टेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। आगे भी काफ़ी सारे टेस्ट हमको पढ़ने हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में सबसे मेन ये समझना है कि आपको कौन से क्वेश्चन को किस टेस्ट का यूज़ करके सॉल्व करना है, या कौन से टेस्ट का यूज़ करके हम किस क्वेश्चन का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना चेक कर सकते हैं। सबसे मेन आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि ये कंपैरिजन टेस्ट का है तो थोड़ा सा आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट में हमने कैसे किया था, फिर बाकी फिर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कॉचीज रूट टेस्ट के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहले क्वेश्चन में हेयर समेशन un, ये क्या है, 1/n की होल पावर कितनी है, 1+1/n। तो 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 1 इंटू n की पावर 1/n लिख सकता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट अगर आपको याद है तो ये समेशन आएगा यहाँ पे, यानी कि पहली वाली जो सीरीज़ है उसका nth टर्म हमको मिल गया 1/n इंटू 1/n की पावर 1/n। तो हम क्या करते हैं, एक vn वाली सीरीज़ अज्यूम करते थे, और vn वाली सीरीज़ में nth टर्म हमने मान लिया सपोज 1/n है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने निकाली थी लिमिट, निकाली थी un/vn। खाली लिमिट लिखा था, उसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही होगा वो। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/n तो कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n, 1/n की पावर 1/n। अगर मैं बात करूं, ये शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n निकालते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। आई होप आपने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में लिमिट्स में।
तो जब लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, वन। तो ये वन जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो भी है एंड फाइनाइट भी है। तो नॉन जीरो फाइनाइट दोनों मिल गया हमको, तो अब कंपैरिजन टेस्ट यूज़ हो जाएगा। देयर फोर बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन इधर बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। अब हम देखेंगे जो हमारा वी एन वाला था उसका nth टर्म वन अपॉन एन है, और इसको हमने कंपेयर किया था वन अपॉन एन की पावर पी। तो यहाँ पे पी कितना है, वन है, और पी अगर वन के इक्वल होता था तो हमने फिर एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखी थी। उस ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमने देखा था कि अगर पी वन के इक्वल होता है तो समेशन वी एन जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और समेशन वी एन डाइवर्जेंट हो जाएगा तो इसका मतलब समेशन यू एन, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था समेशन वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ये आपको एक क्विक रिविज़न हो गया, जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, आप उन क्वेश्चंस को भी देखें। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन हमने किया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, समेशन यू एन जो दिया हुआ है आपको, वन क्यूब अपॉन थ्री, टू क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर, थ्री क्यूब अपॉन थ्री क्यूब, फोर क्यूब अपॉन थ्री रेज टू द पावर फोर एंड सो ऑन। इसका सबसे मेन है पहले हम nth टर्म कैसे निकालें। nth टर्म देखिए आप, देखिए वन टू थ्री फोर चल रहा है, यहाँ पे वन वन का गैप आ रहा है इसमें। पहले nth टर्म निकालते हैं, उसके बाद हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जो न्यूमरेटर है उसमें हर एक टर्म इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसकी पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन क्यूब कर देंगे हम, पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में बेस सेम है सबका, यानी कि थ्री तो आ ही रहा है। यहाँ थ्री की पावर कितना हो गया है, तो ये आपको क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। अब nth टर्म मिल गया तो एक तरीका तो क्या है कि आप कंपैरिजन टेस्ट अगर अप्लाई होता तो कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर वो अप्लाई ही नहीं हो रहा तो फिर आगे के टेस्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कॉचीज़ रूट टेस्ट में आप देखिए हमको क्या करना है, यू एन की पावर वन अपॉन एन निकालनी है पहले। तो इसकी पावर वन अपॉन एन करेंगे तो ये तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा, और एन की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर वन अपॉन एन करेंगे तो थ्री अपॉन एन हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, एन की पावर कितनी हो जाएगी, एन की पावर हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एन, और उसकी पावर कितनी हो गई, थ्री। और उसके बाद क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन की पावर वन अपॉन एन, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन थ्री एन की पावर वन अपॉन एन क्यूब। अभी आपको बताया मैंने, जो आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की पावर वन अपॉन एन की वैल्यू होती है वन। तो ये फिर से यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वन की पावर थ्री कितना हो जाएगा, वन, वन बाई थ्री इंटू वन कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री, और ये क्या आ रहा है, वन से छोटा आ रहा है। तो अब आते हैं कॉचीज़ रूट टेस्ट में। कॉचीज़ रूट टेस्ट क्या था कि यू एन की पावर वन अपॉन एन की लिमिट अगर एल जो है वन से छोटा आ रहा है तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय कॉचीज़ रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में समेशन यू एन आपको क्या दिया हुआ है, टू स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस टू अपॉन वन इसकी पावर माइनस वन, फिर है थ्री क्यूब अपॉन टू क्यूब माइनस थ्री बाई टू की पावर माइनस टू, फोर की पावर फोर अपॉन थ्री की पावर फोर माइनस फोर अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री। अब हम इसका nth टर्म पहले से सबसे पहले निकालेंगे। nth टर्म देखिए क्या बनेगा, एक चीज़ ये तो क्लियर है कि ये पावर जो है वो बढ़ते जा रही,
कम होते जा रही है अगर नेगेटिव की बात करें तो, माइनस एन लिख देते हैं इसको। आप यहाँ देखिए जो सबसे छोटा नंबर है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है पहले, यहाँ और यहाँ भी वन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका nth टर्म में ये एन होगा और यहाँ पे भी एन होगा। इस वाले टर्म में क्या हो रहा है, देखिए वन टू थ्री इसमें कोई पावर नहीं आ रही तो एन ही रहेगा। यहाँ देखिए अब यहाँ वन की पावर टू है, यानी कि जो नंबर यहाँ है उससे एक पावर ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब एन की पावर क्या हो गया, एन प्लस वन हो गया। तो डिनोमिनेटर तो दोनों का हमने सही लिख दिया। अब आते हैं ऊपर, ऊपर देखिए आप, ये वन है तो ये टू है, ये टू है तो ये थ्री है, तो इसका मतलब ये एन है तो ये एन प्लस वन हो जाएगा, और ये वन है तो ये टू है, ये टू है तो ये थ्री है, तो बेस तो एन प्लस वन हो ही गया इसका, और जितना बेस है उतनी ही पावर भी है यहाँ पे एन प्लस वन। बस सबसे मेन ये है, इसका nth टर्म निकालना है और उसके बाद आपको ये समझना है कि टेस्ट हमको कौन सा अप्लाई करना है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, यू एन की पावर वन अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है। नाउ यू एन की पावर वन अपॉन एन अगर हम निकालेंगे तो ये माइनस इसका कैंसिल हो, वन अपॉन एन से एन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, और इसकी पावर क्या हो गई, माइनस वन। तो आप देखिए इसमें एन प्लस वन अपॉन एन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, एन प्लस वन अपॉन एन कॉमन ले लिया, और बाहर लेंगे तो बाहर इसकी माइनस वन भी पावर आएगी इसके साथ साथ, तो अंदर क्या बचेगा, एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, और यहाँ क्या बचाएगा, सिर्फ वन बच जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो गई, माइनस वन। तो अब इसमें हमको लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया एन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर माइनस वन, यहाँ भी अप्लाई करते हैं वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन माइनस वन की पावर माइनस वन। अब लगाते हैं लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर वन अपॉन एन। अब अगर हम इसमें लिमिट इन्फिनिटी लगाते हैं तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो वन प्लस जीरो की पावर माइनस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो माइनस वन की पावर माइनस वन। तो आप देखिए क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी, इसमें होल पावर एन है तो डायरेक्टली सीधे लिमिट नहीं रख सकते इसमें। पहला टर्म क्या हो गया, वन प्लस जीरो की पावर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने भी, ये वाला फॉर्मूला भी 11th क्लास में पढ़ा होगा, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन में अगर आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो इसका आंसर आता है ई, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, माइनस वन की पावर माइनस वन। तो कितना हो जाएगा ये तो वन हो गया, ये हो गया वन अपॉन ई की पावर, सॉरी वन अपॉन ई माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग, टू पॉइंट समथिंग से वन माइनस करेंगे हम तो क्या होगा, वन पॉइंट समथिंग आएगा, और वन पॉइंट समथिंग अगर है तो यानी कि वन से बड़ा है, और वन से बड़े नंबर से आप वन को डिवाइड करोगे तो वन से छोटा ही आना है। तो इसका मतलब फिर से उस टेस्ट की अगर हम बात करें, कॉची रूट टेस्ट की, अगर एल की वैल्यू वन से छोटी आती है तो सीरीज़ क्या थी, कन्वर्जेंट, देयरफॉर समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, एक क्वेश्चन फोर्थ में आपको और करा दे रहा हूँ, बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ आप खुद से ट्राई करें और इसी तरीके से अप्लाई करें जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से टेस्ट लेना अप्लाई करना मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, समीशन यू एन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स फोर एंड सो ऑन। एक चीज़ यहाँ देखिए आप, जो अभी मैंने आपको और क्वेश्चंस कराए और इस क्वेश्चन में सबसे मेन डिफरेंस आपको ये क्या नज़र आ रहा है उसको देखिए। सबसे पहले जो यहाँ पर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा वो डिफरेंस ये है कि बाकी जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें एक्स टाइप का कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा था, इसमें एक्स वाला वेरिएबल भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, तो हेयर यू एन इसका nth टर्म की अगर हम बात करें तो देखिए आप एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, फिर एक्स क्यूब हो जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स तो चल ही रहा है, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ रहे हैं वो एक एक करके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एन लिख सकते हैं इसको हम, और यहाँ जितना नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उतनी पावर भी आ रही है देखिए आप, तो ये भी हो गया, तो एन एक्स की पावर एन, और एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यू एन की पावर वन अपॉन एन हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन की पावर वन अपॉन एन, और सिर्फ एक्स हो गया,
फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं। यूएन अभी आपको बताया दो तीन बार हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, एन की पावर वन अपॉन एन में अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। अब आते हैं कोचीज रूट टेस्ट में। देखिए एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमको क्या दी हुई है, यहाँ पे एक्स हमको ये दिया हुआ है कि एक्स जो है वो वन से बड़ा है, सॉरी जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है एक्स जो है, जीरो से बड़ा है तो कुछ केसेस बनेंगे फिर यहाँ पे। अगर सपोज़ एक्स जीरो से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है, एक्स जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है, तो वन से छोटी अगर ये जो वैल्यू आ रही है इसकी लिमिट की, तो उस केस में ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। केस टू हम ये ले लेते हैं कि अगर एक्स वन से बड़ा है, अगर लिमिट की वैल्यू वन से बड़ी आती है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। और तीसरा केस देखिए आप, अगर एक्स की वैल्यू वन के इक्वल हो गई तो इसका मतलब लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो वन के इक्वल आ गई, और इक्वल आती है अगर वन के तो उस केस में टेस्ट जो था फेल हो जा रहा था, देन द टेस्ट फेल्स। कौन सा टेस्ट की बात हो रही है, बाय कॉचीज रूट टेस्ट। कॉचीज रूट टेस्ट से तीसरे केस में हम इस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कब, जब एक्स की वैल्यू वन के इक्वल है। अब इसको कैसे आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए आप देखिए व्हेन, क्योंकि हमको एक्स इक्वल टू वन के लिए ही सॉल्व करना है अब, तो इस केस में समेशन यू एन क्या हो जाएगा, देखिए अब वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर ये हुआ, यानी कि टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन। अब आप देखिए इस केस में अगर हम बात करें इसके एन टर्म्स का सम निकालें, इसका nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो nth टर्म क्या होगा, n, तो वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यू एन की पावर वन अपॉन एन निकाली तो x आ रहा है, अगर x वन से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगा कॉचीज टेस्ट से, वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंट होगा कॉचीज टेस्ट से, अगर x वन के इक्वल हो गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और टेस्ट फेल होगा तो हमको उस केस के लिए भी चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हमने x की वैल्यू वन रख ली इसमें, और वन रखने के बाद हमने देखा कि सीरीज़ हमको ये मिल रही है, तो एन टर्म्स का सम निकाला, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें लिमिट निकाल देते हैं, और लिमिट निकालते हैं तो इन्फिनिटी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है, टू है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और आपको सबसे पहले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर किसी सीरीज़ का सम इन्फिनिटी आता है देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डेफिनेशन ही यही थी कि अगर किसी सीरीज़ का सम इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट है, अगर सम फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट है। तो ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो तीसरा केस था उस केस में कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने जो थर्ड वाला करा, लास्ट फोर्थ वाला करा है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसको ध्यान से समझिएगा अब, और इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। तो इसमें कुछ केसेस आपके अलग अलग अराइज होते रहेंगे, दो केसेस में तो वो टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, तीसरे केस को आपको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ये दो क्वेश्चंस आपको, एक ये एक्स वाला है तो ये इसी तरीके से होगा जैसे फोर्थ कराया मैंने, और ये सिक्स वाला क्वेश्चन ये तो एन के टर्म्स में, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे के टेस्ट भी कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखते रहें एंड बी सेफ़।